नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज और आप मेरे YouTube चैनल देख रहे हैं, गार्डनिंग ऑफ द विलेज। आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, उसमें हम आज बात करेंगे बोगनवेलिया, उसकी केयर और फर्टिलाइज़र की। तो देखिए, बोगनवेलिया की केयर इतनी ज़्यादा नहीं की जाती, लेकिन हाँ, अगर आप उसको टाइम से फर्टिलाइज़ करेंगे तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये मेरा एक ड्वार्फ बोगनवेलिया है, जिसकी पत्तियाँ बहुत छोटी रहती हैं। और आप इसको देखिए किस तरीके से बुशी हो रखा है, और जो इसकी इस टाइम आप देखिए कितनी मोटी है, क्योंकि ये मेरे पास 3 साल से है। इसके अंदर आप देखेंगे तो कहीं वीड्स हैं, विंका के प्लांट्स आ चुके हैं, जिनको हटा के अपने को वापस सही करना है। तो ये एक और प्लांट है जो मैंने इसी साल लिया था, इसमें वाइट फ्लोर आते हैं। और इनको देखिए, मैंने कटिंग की थी, जिसके बाद इनकी नई शूट्स हैं वो निकलना शुरू हो गई है। तो इनकी मिट्टी, इनको फर्टिलाइज़ करके वो अपन आज इसमें चेंज करेंगे। नेक्स्ट है ये मेरा जो पर्पल कलर के फूल आते हैं, इसको भी अपन कटिंग की थी, जिसके बाद ये देखिए इसकी भी नई ग्रोथ आई है। और ये इसके अंदर घास फूस है, जिसको अपने को रिमूव करना है। इसके बाद अपन बात करते हैं ये देखिए, इसमें ऑरेंज कलर के फ्लोर आते हैं, और ये भी मैंने कट किया हुआ है, उसकी भी ग्रोथ आ चुकी है नई नई। अब देखिए इसमें भी ग्रोथ आनी स्टार्ट हो चुकी है, और इसमें भी फर्टिलाइज किया जाएगा इसको। जो वर्मी कंपोस्ट है वो दूंगा मैं इसमें, और बोन मील डालूंगा 1-1 चम्मच सब में। तो उसके बाद आपको दिखाऊंगा क्या रिजल्ट रहता है इसका आगे। ये मेरा एक और प्लांट है, पुराना प्लांट है, 2 साल पुराना है। इसकी स्टेम देखिए आप, इसको भी मैंने कट किया था, इसकी भी नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। इसमें वाइट और पिंक कलर के दो तरीके के फूल साथ में आते हैं। ये देखिए, यहाँ से मैंने कट किया है और ये नई ब्रांच यहाँ से निकलना स्टार्ट हो गई। सेम आगे भी और भी कट किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे भी नई ब्रांच स्टार्ट हो गई। तो जितनी ब्रांच होगी उतने ही ज़्यादा फूल आपने को मिलेंगे। तो ये देखिए, अब इनका मेन रीज़न ये है कि ये जो इनकी पॉट के नीचे से है ना, वो जड़ें निकलना स्टार्ट हो गई है। तो मेरे को उनको भी कट करना है, उनकी कटिंग करके फिर इनको रिपोर्ट करना है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं गमले के नीचे, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ से ये रूट्स निकलना स्टार्ट हो गई है, और इसमें कुछ ज़्यादा ही रूट्स निकलना स्टार्ट हो गई यहाँ पे देखिए। तो इनको सबको कट करके वापस रिपोर्ट करेंगे। बोगनवेलिया में हमें ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर आप इसमें ये मेरे पास वर्मी कंपोस्ट है वो डालूंगा मैं, उससे भी अच्छी फ्लोरिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप इसमें बोन मील डालिए और अच्छे फ्लोर आएंगे। और ये जो वर्मी कंपोस्ट है, ये मैंने अभी ली थी थोड़े दिन पहले। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गाय की गोबर की पुरानी खाद, नहीं, पुरानी खाद, कम से कम 1.5 साल पुरानी खाद हो, सूखी हुई सड़ी खाद वो डालें, उससे भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम इनको पौधों को बाहर निकालेंगे। इनका रूट बॉल है वो साइड में करके, जो मिट्टी है उसमें वर्मी कंपोस्ट डाल के अपन करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इसका पूरा का पूरा ऐसा कैसे ये बाहर आ गया, ये पूरा इसका रूट बॉल है। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ कैसे कैसे छोटी छोटी ये है, और नीचे वाली मैंने कट कर दी है। अभी इसमें से और कट करूँगा, क्योंकि वो पॉट्स के नीचे ऐसे पॉट्स से बाहर नहीं आ रहा था, तो मैंने वहीं पर कट कर दी। अब इसको मैं यहाँ से नीचे नीचे तक की रूट्स कट करूँगा और इसको वापस रिपोर्ट करूँगा। ठीक है, तो आइए अपन इसको आगे रिपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप अब देख रहे हो, मैंने इसकी ये रूट बॉल छोड़ दी है, बाकी मिट्टी हटा दी है। अब इस मिट्टी में जो वर्मी कंपोस्ट है वो ऐड करूंगा, और उसके बाद इसको रिपोर्ट करूंगा। तो इसकी जो मोटी मोटी जड़ें थी, मैंने वही काटी हैं, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वो जड़ें हैं जो मैंने कट की हैं, और मिट्टी में यही यूज़ करूँगा, क्योंकि ये मिट्टी बहुत अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें आप वर्मी कंपोस्ट जैसे ऐड करके वापस इसको इसी में रिपोर्ट कर देंगे। जैसे ये मैंने वर्मी कंपोस्ट ऐड की है, मैं इसको मिक्स करूँगा पूरी मिट्टी में, और उसके बाद इनको रिपोर्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे सभी को रिपोर्ट कर दिया है। रिपोर्ट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से हैं, जिनके शेप हैं वो मैंने सही कर दिए हैं। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसकी एक मोटी जड़ थी जो कुछ सड़ चुकी थी, जिसको निकालते वक्त वो टूट गई है। तो इसको मैंने एक बार सपोर्ट दिया है, थोड़े दिन बाद इसको मैं हटा दूंगा, ये अपने सपोर्ट अपने आप खड़ा हो जाएगा पेड़, उसके बाद मैं इसको हटा दूंगा। तो
ये ज़रूरी है, नहीं तो ये बार बार झुकने लग जाएगा। अब देखिए ये शॉक में भी चला गया, इसकी पत्तियाँ मुड़ जाएंगी, लेकिन ये एकदम सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये भी मैंने सही शेप कर दिया इसका भी। तो इनका अभी रख के इनमें मैं पानी डालूँगा, पूरा पानी दूंगा, एक बार इतना पानी दूंगा कि इनकी पॉट से नीचे से ड्रेनेज से पानी निकलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद इनको छाया में रखूँगा जिससे ये स्ट्रेस में ना आए। तो जैसे भी इनके आगे की जो प्रोग्रेस रहेगी, मैं आपको 15-20 दिन के बाद दिखाऊंगा कि क्या प्रोग्रेस आती है इनकी। तो दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वर्मी कंपोस्ट होती है वो सबसे अच्छी खाद होती है, या तो गोबर की सड़ी हुई खाद, या ये दो चीज़ों का मुकाबला जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं वो नहीं कर सकते। आप ज़्यादा फर्टिलाइज़ अपने